मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश विकिरणों की तरंग और कणीय प्रकृति होती है, जिसकी पुष्टि कई प्रयोगों द्वारा की गई, जैसे क्वांटम प्रभाव और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश की कणीय प्रकृति, विकिरणों की कणीय प्रकृति को, कणीय प्रकृति जो है व्यक्त को बताता है, जबकि व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण आदि तरंगी प्रकृति को बताते हैं, यानी कि इसकी जो प्रकाश है उसकी जो है ड्यूल नेचर होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1923 में डी ब्रोगली ने द्रव्य कणों के लिए भी ये परिकल्पना की कि जो जो प्रकाश तरंगे हैं या प्रकाश विकिरण हैं उनकी कणीय और तरंगी प्रकृति होती है। उसी प्रकार मैटर जो है उसकी जो तरंगे हैं उनकी भी कणी और तरंगी दोनों प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए, यानी कि जो प्रकाश और प्रकाश के का जो सिद्धांत है, प्रकाश का जो ड्यूल नेचर है, उसको द्रव्य के लिए भी लागू किया जा सकता है कि द्रव्य की जो है प्रकृति भी कण और तरंग दोनों प्रकार की होती है। इस परिकल्पना ने द्रव्य के तरंग यांत्रिकी सिद्धांत को जन्म दिया और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी गतिमान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन तथा परमाणु कण और तरंग दोनों प्रकार से आचरण करते हैं। बोर के परमाणु सिद्धांत में क्वांटम संख्या एन, मुख्य क्वांटम संख्या एन जो है एक पूर्णांक है, और बोर इस बात के लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि एन का मान पूर्णांक क्यों होता है। इसके बाद डी ब्रोगली ने यह विचार व्यक्त किया कि भौतिक विज्ञान में जिन घटनाओं में पूर्णांक का प्रयोग होता है वे सिर्फ व्यतिकरण और कंपन की सामान्य विधा है, जो कि तरंगी प्रकृति का ही प्रतिफल है। इसी तथ्य के आधार पर डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को केवल कण ही नहीं अपितु एक तरंग भी बताया, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉन तरंग कहते हैं। गतिमान इलेक्ट्रॉन एक कण है और एक तरंग भी इसके साथ संयुक्त होती है, और यही जो है वेव मैकेनिक्स का आधार है। इसके आधार पर डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी, जिसे कि हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। यदि जो कि मुख्य रूप से प्लैंक के सिद्धांत और आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत की सहायता से डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी, जिसे कि हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं, जिसके के अनुसार यदि विकिरणों की तरंग प्रकृति मानी जाए तो उसके साथ तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और अवस्था जैसे गुण संलग्न होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यदि विकिरण की आवृत्ति न्यू हो तो तरंगी प्रकृति के अनुसार उसकी ऊर्जा इको प्लांक समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, प्लांक समीकरण के अनुसार जो विकिरण की ऊर्जा है वो होती है E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है विकिरण की आवृत्ति है, और न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। तो हम न्यू को सी बाई लेमडा होता है, सी जहाँ पर प्रकाश का वेग और लेमडा जो है तरंग की तरंग दैर्ध्य, विकिरण की तरंग दैर्ध्य को बताता है। जब विकिरण को कण के रूप में माना जाता है तो विकिरण की ऊर्जा को हम आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा संबंध के अनुसार
अनुसार हम विकिरण की ऊर्जा को बता सकते हैं। तो इस आधार पर आइंस्टीन समीकरण के अनुसार विकिरण की ऊर्जा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, जहाँ पर कि m जो है जो फोटोन है उसका द्रव्यमान है और c फोटोन का वेग है। अब इन दो c फोटोन का वेग है और जो कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो उपरोक्त समीकरणों की दोनों समीकरणों की हम तुलना करने पर एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर या एच अपॉन एम सी इक्वल टू सी अपॉन न्यू इक्वल्स टू लेमडा या एच अपॉन एम सी इक्वल्स टू लेमडा या हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू एच लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच अपॉन पी तो यहाँ पर पी जो है फोटोन का संवेग है और लेमडा जो है विकिरण की तरंग दैर्ध्य है। तो डी ब्रोगली ने ये जो इक्वेशन है वो डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है। डी ब्रोगली के अनुसार समीकरण एक को जो है हम इलेक्ट्रॉन पर भी लागू कर सकते हैं, यानी कि मैटर पर भी मैटर वेव्स पर भी लागू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अन्य कणों पर भी इसको लागू किया जा सकता है। तो जब इसे इलेक्ट्रॉन पर लागू करते हैं तो अतः m द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन जिसका कि वेग v है और तरंग दैर्ध्य लेमडा हो तो लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन p इक्वल्स टू h अपॉन m v। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो m है, इलेक्ट्रॉन का वेग v है और तरंग दैर्ध्य लेमडा है और p जो है इलेक्ट्रॉन का संवेग है। ये समीकरण जो है डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहलाती है है और इसको हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जैसे कि ऊपर हमने डी ब्रोगली इक्वेशन में देखा है है और इसको हम लिख सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू वन अपॉन पी या पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेमडा। यहाँ पर किसी भी गतिमान कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है या गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग की तरंग दैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ पर कि और एच जो है उसका व्युत्क्रम यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि हम डी ब्रोगली सिद्धांत को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि गति करते हुए कण का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ एच उसके व्युत्क्रम यानी प्रोपोर्शनलिटी स्थिरांक है, गति करते हुए कणों से संलग्न द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण सभी कणों के लिए है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों में भी तरंग सदृश प्रकृति का कोई वास्तविक महत्व नहीं है, क्योंकि और विशाल कणों के साथ भी जब डी ब्रोगली तरंग संयुक्त होगी ही, परंतु उस तरंग का तरंग दैर्ध्य इतना छोटा होता है कि उसका मापन और प्रेक्षण संभव नहीं होता, दोनों मापन और प्रेक्षण संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर द्रव्य तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, द्रव्य तरंगों में वेग का वेग बहुत कम होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग का मान अत्यंत उच्च यानी कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो है शून्य में विकृत नहीं हो पाती, जबकि यह शून्य में विकृत हो जाती है, इसी कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। तीसरा अंतर है यह किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती बल्कि उसके साथ संबद्ध होती है, और जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे कण से उत्सर्जित हो सकती हैं और उसके साथ संबद्ध नहीं हो सकती।
कण से उत्सर्जित हो सकती हैं परंतु उसके साथ संबद्ध नहीं होती। चौथा है इनकी तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम होता है मैटर वेव्स की, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरंग दैर्ध्य का मान काफ़ी उच्च होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डेविसन और जेमर ने 1927 में एक प्रयोग किया और उसमें उसके आधार पर जो है डी ब्रॉगली समीकरण का सत्यापन किया। यहाँ पर हम जानते हैं जैसा कि डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो वी है, तो डेविसन इक्वेशन के अनुसार जो वेग है वो वी है, तो समीकरण में वेग को सीधा ही ज्ञात करना कठिन होता है। या हम ये कहें कि जब डेविसन और जेमर ने इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग किया, अपने प्रयोग में डेविसन और जेमर ने निकल क्रिस्टल के तल से परावर्तन द्वारा मंदगामी इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन का अध्ययन किया और उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि एक्स किरणों के समान ही इलेक्ट्रॉन पुंज भी क्रिस्टलों द्वारा विवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रयोग में पाया गया कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन में प्राप्त विवर्तन विन्यास ठीक वैसे ही थे जैसे एक्स किरणों के बनते हैं। चूँकि विवर्तन केवल तरंग गति का गुणधर्म है, अतः इस बात की पुष्टि होती है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी जो है वो तरंगी प्रकृति होगी, तरंग प्रकृति होगी। तो डी ब्रॉगली समीकरण में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, तो वी को सीधा ज्ञात करना कठिन होता है, अतः इसे इसमें हम निम्न तरीके से डी ब्रॉगली समीकरण में से वेग को हटा सकते हैं। यदि ई आवेश वाला इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा ई वी अपॉन 300 होगी, अतः और यानी कि वन इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट इक्वल टू 300 वोल्ट के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी अपॉन 300। यानी कि यदि ई आवेश वाला इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट से त्वरित होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 300 होगी, तो गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी अपॉन 300 या वी इक्वल्स टू रूट ई वी अपॉन 150। तो यहाँ पर वी के मान को डी ब्रॉगली इक्वेशन में रखने पर जो कि है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो वी की जगह पर डी ब्रॉगली समीकरण में ये वी इक्वल्स टू रूट ई वी अपॉन 150 एम का की वैल्यू रखने पर ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम रूट ई वी अपॉन 150 एम इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाइड बाय रूट 150 अपॉन एम एम इंटू ई वी। तो यहाँ पर एच ई और एम का मान अगर हम इस समीकरण में रखें तो जो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर 6.626 इंटू 10^-27 एच की वैल्यू है 150 अपॉन 9.109 जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 109 इंटू 10^-28 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और और 4.8 इंटू 10^-10 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ई की वैल्यू है और बी जो है वोल्ट है, तो लैम्डा इक्वल टू 150 रूट 150 अपॉन बी इंटू 10^-8 सेंटीमीटर है या लैम्डा इक्वल टू 12.26 इंटू 10^-8 है। अब इस समीकरण में
हम ये देखते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट के विभव से त्वरित किया जाता है तो इसके साथ संलग्न डी ब्रोगली जो जो वेव है उसकी तरंग दैर्ध्य 1.226 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर होगी। लेकिन यदि विभव को 10 से 10,000 वोल्ट तक परिवर्तित किया जाए तो लेमडा का मान 3.877 एंगस्ट्रॉम × 0.1226 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य भी इसी कोटि में आती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन होता है, यानी कि डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन होता है। तो यहाँ पर डेविसन और जेमर ने जो प्रयोग किया उसको हम एक्सपेरिमेंट को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक गर्म तार है, इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसे कि एक स्लिट से गुजार कर एक पतले पुंज के रूप में प्राप्त त्वरित इलेक्ट्रॉन के पुंज के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन पुंज को जब 40 से 68 वोल्ट तक की आवेशित पत्तियों द्वारा त्वरित कर एक निकल क्रिस्टल पर डाला जाता है पर भेजा जाता है तो त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंगों का तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों के जो कि का तरंग दैर्ध्य जो कि एक्स किरणों के परिसर का होता है तो होता है। अतः निकल क्रिस्टल से ये किरणें कोण थीटा पर विवर्तित हो जाती हैं और विवर्तित इलेक्ट्रॉन की दिशा को इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से जो है ज्ञात कर लेते हैं और उस स्थिति को गोलीय स्केल पर पढ़ ले जाते हैं। अब अलग अलग कोण पर इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता को भी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, यानी ते और इस प्रकार बने हुए विवर्तन डिजाइन का पैटर्न उसी प्रकार का होता है जैसा कि एक्स किरण विवर्तन के लिए होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पुंज का एक्स किरणों के भांति विवर्तन होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी एक्स किरणों की भांति तरंगीय होती है। और इस प्रयोग में ये देखा गया कि जब 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज 50 डिग्री कोण पर विवर्तित होता है तो इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है और इस अवस्था में लेमडा का मान जो है 1.668 एंगस्ट्रॉम आता है जो कि एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है। तो हम इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर ब्रेग समीकरण लागू कर सकते हैं, यानी कि ब्रेग इक्वेशन जो है वह है एन लेमडा इक्वल्स टू 2D sin थीटा। यहाँ पर जो ब्रेग्स इक्वेशन है वो है एन लेमडा इक्वल टू 2D sin थीटा है। तो यहाँ पर n जो है वो एक पूर्णांक है जिसका कि मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है और लेमडा जो है अधिकतम तीव्रता पर तरंग दैर्ध्य है और डी क्रिस्टल के विभिन्न तलों के मध्य की दूरी और थीटा जो है वो तरंगों के विवर्तन का कोण है। इससे इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान यानी कि लेमडा का मान ज्ञात किया जा सकता है और डेविसन और जेबर ने इसका मान 1.65 एंगस्ट्रॉम ज्ञात किया जो कि डी ब्रोगली समीकरण से प्राप्त मान के अनुकूल है। अतः ये विधि डी ब्रोगली समीकरण का पूर्ण रूप से सत्यापन करती है। अब है कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बोर समीकरण में जो कि परमाणु मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए, इसमें मुख्य क्वांटम संख्या के पूर्णांक होने के लिए कोई तार्किक कारण नहीं दे पाया। तो यहाँ पर इस कमी को डी ब्रोगली कंसेप्ट से या हाइपोथेसिस से तार्किक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है।
साथ ही कोणीय संवेग भी क्वांटीकृत होता है, इसको भी हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। माना कि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन की एक द्विविमीय डी ब्रोगली अप्रगामी तरंग विद्यमान है। तो यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है कि यदि तरंगों का अस्तित्व तभी हो सकता है जबकि वृत्त की परिधि तरंग दैर्ध्य की बहुसमाकलन हो। तो यहाँ पर जो चित्र सेकंड है उसमें जो तरंगे हैं निरंतर कला में तरंगे हैं और यहाँ पर परिधि जो है वो 6 लैम्डा के तुल्य है और तभी उस तरंग का अस्तित्व हो सकता है। और ये चित्र में बताए फर्स्ट वाले चित्र में कला विहीन तरंगे हैं, यानी कि यदि परिधि 5.5 के बराबर हो या 5 लैम्डा से अधिक या कम हो तो उस स्थिति में इस तरंग का जो है अस्तित्व नहीं तभी नहीं हो पाएगा और उस स्थिति में मैं जो वो जो तरंग वाली कला से बाहर निकल जाएगी और तरंगों के विनाशकारी व्यतिकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का विकिरण होगा। अतः अप्रगामी तरंग के लिए आवश्यक शर्त है कि स्थायी कक्ष की परिधि तरंग दैर्ध्य की बहुसमाकलन होनी चाहिए, अर्थात 2πr = nλ या 2πr जो है वो स्थायी कक्षा की परिधि है, n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और लैम्डा जो है वृत्त की जो तरंग है उसकी वेवलेंथ है और r जो है वृत्त की जो है त्रिज्या है। डी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा का मान जो है रखने पर λ = h/mv होता है। तो यहाँ पर 2πr = nh/mv या mvr = nh/2π जहाँ पर कि n एक पूर्णांक है। इस प्रकार हम बोर मॉडल का ये अभिग्रह उपरोक्त समीकरण के रूप में प्राप्त कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π का बहुसमाकलन है। अतः बोर ने n का प्रचलन स्वेच्छा से किया था परंतु डी ब्रोगली की तरंग प्रकृति की धारणा से जो है n जो है उसका तार्किक स्पष्टीकरण हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।